महिंद्रा की जीप, अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत ही शानदार लुक में आती है। वैसे अब ये डिसकंटिन्यू हो गई है, लेकिन जो इसकी डिमांड है वो अभी खत्म नहीं हुई है। और इसका ये प्लस पॉइंट यही है, इसका जो लुक है वो आपको बहुत ही शानदार देखने मिलता है और सबसे रफ एंड टफ कहा जा सकता है। महिंद्रा ने जो अपनी जो कह सकते हैं जब अपनी कंपनी की एक नींव रखी थी, तो सबसे पहले उन्होंने जिप से ही स्टार्ट किया था। वैसे दो तीन इसके पहले और मॉडल आए थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये फर्स्ट मॉडल है, लेकिन इससे पहले भी काफ़ी सारे मॉडल आए थे, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा खासा जो लेवल अपना है वो नहीं बनाया था। जो जिप ने एक मतलब अपनी पहचान बना दी थी, वो कह सकते हैं महिंद्रा की जो सबसे जो फेवरेट प्रोडक्ट है, जो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग है, इसकी डिमांड अभी भी जो है ख़त्म नहीं हो पाई है, काफ़ी अच्छी डिमांड में। अगर आपके लुक्स को देखोगे, ये तीन वेरिएंट्स में आती थी। एक तो जो इसका जो ओपन वेरिएंट है जो आप देख रहे हो, एक आता था बैक वेरिएंट, मतलब जो आगे वाली बॉडी है वो इसे पैक होके आती थी, और तीसरा था जो इसमें पिलर देखने को मिलते वो भी मिलते थे। इसमें आपको हार्ड टॉप देखने को नहीं मिलता था, इसमें आपको सॉफ्ट टॉप देखने को मिलता था। अगर आप चाहे तो इसे भी लगा सकते हो, और जो आगे वाला जो ये कांच है, ये आप चाहे तो आप इसे नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हो, और ये फिक्सेबल भी होता है, मतलब आप चाहो तो इसे फिक्स भी करा सकते हो। तो दोस्तों आप देखते हैं अंदर का जो मटेरियल है और अंदर क्या लुक देखने को मिलता है। तो सिंपली आप देखते हैं जो इसका डैशबोर्ड है, वैसे इसका डैशबोर्ड कह नहीं सकते है नहीं है, क्योंकि इसमें डैशबोर्ड पहले नहीं आता था, अब डैशबोर्ड आने लगे हैं। ये जो बॉडी है उसके साथ ही ये कनेक्ट है। इसमें आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, फ्यूल गेज और जो टेम्परेचर मीटर है, और ये आपको देखने को सब मिलते हैं, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी पहले आपको मैन्युअली सारी इसी तरह से आते थे सारे। और जब को सबसे अच्छी चीज़ बताता हूँ, जो इसका जो गैस शिफ्टर है वो बहुत ही कमाल का देखने मिलता है। इसमें आपको जैसे अभी जो ट्रैक्टर में कैसा गैस शिफ्टर आता है, वैसा आपको गैस शिफ्टर इसमें देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको बता देता हूँ इसे आप कैसे मैन्युअली ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये है इसका मैन्युअली गियर शिफ्टर, जो आप देख सकते हो, जो अगर आप फर्स्ट लगाते हो तो ये फर्स्ट नहीं रिवर्स है, और यहाँ पर ये फर्स्ट है, और यहाँ पर आपको थर्ड और फोर्थ। इसमें आपको तीन गियर देखने को मिलता है, चौथा गियर है वो रिवर्स का होता है। और सबसे अच्छी चीज़ आप देखोगे तो आपको एक चीज़ बताऊँगा आपको, कि आप पहले जो अब नई गाड़ी आती है उसका आप की मतलब सीधा की से ऑफ कर सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, इसमें आपको की से नहीं, इसको आपको पुल करके इसको ऑफ करना पड़ेगा, नहीं तो ये ऑफ नहीं होगी। और छोटा सा स्टोरेज आपको यहाँ देखने को मिलता है, अभी शायद ये देख सकते हो, छोटा सा स्टोरेज स्पेस है लेकिन डिसेंट है। पहले इतना स्टोरेज पर ध्यान वगैरह नहीं दिया जाता था। और यहाँ पर आपको साइड वे जो मिरर है वो देखने को मिलते हैं, और ये स्टेयरिंग है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है स्पीड ब्रेक और क्लच, वैसे ठीक है, डिसेंट है, ऐसा नहीं कह सकते बहुत ही ज़्यादा पुराने हैं, वैसे नहीं है। और यहाँ पर देख सकते हो इनकी जो सीटें हैं, ये बकेट सीट है, इसमें आपको देखने को मिलती है, और पीछे आपको डबल सीटें हैं, एक तरफ है और ये भी है, और अंदर अपना हेलमेट है। और इसमें आपको पीछे टो करने के लिए टोइंग वाला भी आपको पोर्शन देखने को मिलता है, ईजिली आप किसी भी गाड़ी को इसे टो कर सकते हो। और लाइटें देख सकते हो आप, लाइटें काफ़ी यूनिक है। टायर आपको नॉर्मल टायर देखने मिलते हैं सब में, एलॉय व्हील का उस समय ऑप्शन था भी नहीं। और अगर आप आफ्टर मार्केट अगर लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो। और इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फ्यूल गेज भी मिलता है, क्योंकि पहले क्या होता है फ्यूल पंप बहुत ही कम होते थे, तो कहीं पर आपका फ्यूल ख़त्म हो सकता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा कंपनी के साथ भी आपको मिलता था। अगर आप एक्सेसरीज लेना चाहते तो ले सकते थे, या आफ्टर मार्केट भी लगा सकते थे। ये आफ्टर मार्केट नहीं है, कंपनी के साथ आया है। और इंडिकेटर आप देख सकते हो काफ़ी यूनिक है और काफ़ी अच्छा स्टाइल है, प्रोटेक्ट भी कर रखा है, और ये सब कंपनी से आपको देखने को मिलते हैं, कोई भी आफ्टर मार्केटिंग इसमें चेंजेस नहीं कराए गए हैं। जिप का लोगो और आगे वाला बम्पर, हेडलाइट पर भी आपको प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। पहले जो गाड़ी आती थी काफ़ी रफ़ एंड टफ आती थी, और इसी हिसाब से देख के उनको बनाया जाता था कि साल साल तक चले। इसको भी काफ़ी टाइम हो चुका है, सिर्फ इसकी रस्टिंग नहीं हुई है, पेंट जॉब भी इसका है तो बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हो कहीं पर भी पेंट की जो पपड़ी वगैरह बनती है वो कहीं पर भी नहीं है, छोटे वो स्क्रैच वगैरह है वो तो कोई नॉर्मल है, नई वाली गाड़ी लेते उसमें भी लग जाते हैं। और बोनट को ओपन करने के लिए आपको ये चार लीवर देख सकते हो, इनको ओपन करना पड़ता है, पुल करके इसको ओपन कर सकते हैं, फिर आप इसको जो बोनट है उसको भी ओपन कर सकते हैं।